बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है। पंजाबी सिंगर सिंधु मूसेवाला की हत्या के आरोप में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सलमान खान माफी मांगे की खुली चुनौती दी है। बता दें कि पिछले साल मशहूर सिंगर सिंधु मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली। सिंधु मूसेवाला की हत्या के बाद बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के घर एक लेटर लिखकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इस लेटर में लिखा था, मूसेवाला की तरह तुम्हें भी मार दिया जाएगा। इस लेटर के सामने आने के बाद काफी हड़कंप मच गया था। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, सलमान खान के लिए हमारे समाज में काफी गुस्सा है। उसने मेरे समाज को अपमानित किया है। उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। अगर वो माफी नहीं मांगते तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इसके लिए मैं और निर्भर नहीं रहूंगा। मेरे मन में बचपन से ही उसके लिए गुस्सा है। आज नहीं तो कल उसका अहंकार जरूर टूटेगा। उसे हमारे देवता के मंदिर में आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर हमारा समाज उसे माफ़ करता है तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। बता दें कि साल 1999 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने राजस्थान के जंगलों में काले हिरण का शिकार किया था, जिसको लेकर एक्टर के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था। बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करते हैं। बिश्नोई समाज का कहना है कि सलमान खान ने अपनी हरकत के लिए आज तक उनसे माफ़ी नहीं मांगी है और यही कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।